Hey guys, welcome back to my channel and good morning to you all. तो आज है मेरा सेकंड डे जयपुर में और मैं रेडी हो गई और मैंने ब्रेकफास्ट मंगाया है मेरा इसमें ब्रोमेट्री से, क्योंकि हॉस्टल से मैंने ऑर्डर कर लिया क्योंकि बाहर जाती फिर के ऑलरेडी बहुत सुबह ठंडी होती, इसलिए यहाँ से ऑर्डर किया। तो मैंने ऑर्डर किया ये आलू पराठा, ये है ब्रेड एंड ये है ऑमलेट और ये है टी। और फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर हम जाने वाले हैं जयगढ़ फोर्ट, नारगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट, जो कि यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर या फिर आई थिंक 1 आवर जितना लगेगा। तो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर निकलते हैं फोर्ट के लिए। पहुंचने वाले हैं एंड स्कूटी का एक ही फायदा है कि हमने स्कूटी लिया है तो हम मन चाहे जहाँ हमें रुकना हो फोटो के लिए हम रुक सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे से जल महल दिख रहा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी आपको इतना ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ का जो व्यू है ना, जो आंखों से जो व्यू कैप्चर होता है ना, वो बेस्ट होता है। वो कैमरा लेंस उसको इतना ब्यूटीफुली कैप्चर नहीं कर पाती है, बहुत सही है, मतलब बहुत मस्त लग रहा है। तो बस अभी हम पहुंचेंगे नारगढ़ फोर्ट। तो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ नारगढ़ फोर्ट और किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि मैं एक्चुअली 11 बजे तत्काल बुकिंग करनी थी ट्रेन की आने के लिए, मतलब फुल नेटवर्क था मेरा, फुल नेटवर्क था और 11 बजे लॉग इन भी हो गया। फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया वैलिडेटिंग यूजर कर करके, उसने मेरा 1 से 2 मिनट खा लिया, 1 से 2 मिनट खाया, फिर साला 11:03 पे जाके बुक हुआ और वेटिंग में मिला। मतलब किस्मत ही बेकार है यार, दिमाग खराब हो गया, ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोलूं। चलो अभी चलते हैं, टिकट ले लेते हैं। तो गाइज ये है ब्यूटीफुल सा व्यू ऊपर से, मतलब ये वाले साइड से, क्योंकि यहाँ से हमें एंट्री करनी है। तो अभी मैं इधर ऊपर चढ़ के आई हूँ, छोटा छोटा घर दिख रहा है वो मेरे पास, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है, वहाँ पे प्राइस मेंशन है कि हमारे जो है स्टूडेंट की रहेगी वो 22 रुपीज रहेगी, इंडियन सिटीजन की 52 रहेगी और फॉरन टूरिस्ट की 200 और फॉरन स्टूडेंट की 102। तो हम टिकट ले लेते हैं, ये 2 स्टूडेंट टिकट, ये रही हमारी टिकट जो हमने लिया है स्टूडेंट आइडेंटी कार्ड पे, ओनली 22 रुपीज, हमने सेव कर लिया बहुत सारे पैसे। तो गाइज मेरे पीछे ये डोरेमोन है, तो देख के एकदम खुश हो गए, डोरेमोन इधर। तो आई थिंक से यहाँ पे वैक्स म्यूजियम भी है सब। तो अभी तो पहले हम लोग नारगढ़ फोर्ट घूम लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे वैक्स म्यूजियम में। तो फाइनली गाइज मैं नारगढ़ फोर्ट में एंट्री कर चुकी हूँ, तो अभी हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नारगढ़ फोर्ट और मैं आपको पूरी स्टोरीज बताती हूँ कि यहाँ की स्टोरीज बहुत ज्यादा यूनिक है एंड इतनी सारी स्टोरीज है ना यहाँ की कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा इस स्पॉट पे घूमने। अभी मैं आपको यहाँ की स्टोरीज बताती हूँ। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ये मतलब आंगन जैसा है, यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज है। तो अभी आपको मैं स्टोरी नंबर 1 बताती हूँ कि यहाँ पे टोटल 9 रानी थी और राजा ने 9 रानी के लिए पूरा सब रूम अलग अलग बनाए थे। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं ना वो एक दूसरे से मिलते नहीं है। जैसे कि अगर राजा को कोई मतलब पहली रानी से मिल के अगर उसको दूसरी रानी के पास जाना है तो मतलब पता नहीं चलेगा किसी को, ऐसे सब बनाए हैं। अभी हम जा रहे हैं छत पे, इट्स अ वे टू टेरेस एंड ये है पूरा रूट जाने का, मतलब कुछ ज़्यादा ही खंडर जैसा है। आप देख ही सकते हो कि ये कुछ ज़्यादा वेल मेंटेन करके कुछ रखा नहीं है, यहाँ पर लोगों ने थूक थूक के गंदा कर दिया है, पुअर पीपल। और ये पता नहीं क्या है इसके अंदर। और ये टेरेस पे हम पहुँचने ही वाले हैं और फिर देखते हैं एकदम ब्यूटीफुल सा व्यू। तो ये जितनी भी बारी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होगी, तो यहाँ पे सब रानी आके सुनती थी जब भी राजा कुछ भी अनाउंसमेंट करता था। जो मैंने जो नीचे रूम बताया ना उसके अलावा यहाँ पे भी रूम्स हैं 9 जो मैंने आपको बोला, और इसके जितने भी गेट्स हैं ना ये सब इंटरकनेक्टेड है। आप देख सकते हो कि ऐसे एक पे एक, ताकि अगर राजा को दूसरे रानी के पास जाना होगा तो वो एक दरवाजा बंद कर देंगे एक रूम का, फिर वो दूसरे के पास जाएंगे। इसके लिए ऐसा बनाया ही गया था कि वो अगर 9 रानी को मिल रहे हैं, मतलब किसी एक को मिला और दूसरे को मिलना है तो किसी को पता नहीं चलेगा, उस वजह से बनाया हुआ है। अभी मैं उसी रूम्स में हूँ जो इंटरकनेक्टेड है। आप देख सकती हो कि देखो ये सब गेट्स है, इन सामने ये बारी है ताकि राजा जब भी कुछ भी अनाउंसमेंट करते तो रानी झटपट से भाग के पहुंच जाती थी राजा के पास और सुनती थी कि वो क्या कह रहे हैं। ये मतलब विंडो है, यहाँ से पूरी ब्यूटीफुल जयपुर सिटी दिख रही है और ये अभी रेलिंग हिल रही है, माय गॉड टूट जाएगी। यहाँ से रानियाँ मतलब देखती थी सिटी, मतलब वर्ड था उन लोगों का, यहाँ से लगता है कि हमको तो अच्छे जमाने में कुछ मिलता ही नहीं, ये लोग का वर्ड था मतलब मस्त सिटी देखो ये देखो। तो अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये पूरा जो भी मतलब ये एरिया है ये बड़ी रानी का है, यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, मतलब कुछ है यहाँ पे पता नहीं। तो ये बड़ी रानी थी सबसे, तो इसके लिए इनको एकदम बड़ा
कॉरिडोर रूम सब कुछ दिया गया था। तो अभी हम चलते हैं एकदम टॉप टेरेस पे और जाके देखते हैं जयपुर का व्यू। ये रास्ता है टेरेस पे जाने के लिए, बहुत ही पतला है, एकदम छोटू सा। गाइस ये पूरा टेरेस व्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा फोर्ट व्यू है और यहाँ से हम पूरी सिटी देख सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अभी मैं ये मतलब क्या नाम था इसका फोर्ट का, नारगढ़ फोर्ट घूम लिया है और यहाँ पे शायद वैक्स म्यूजियम और वो सब है, इसकी मैंने आपको बताया, तो शायद उसकी टिकट अलग होगी। तो देखती हूँ, अगर बहुत ज्यादा महंगी नहीं हुई तो मैं एक्सप्लोर करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो गाइज ये है बावड़ी, यहाँ पे पानी कलेक्ट किया जाता था जो नारगढ़ हिल से आता था, तो गंदा तो है ही, उसमें भी लोगों ने कचरा डाल ही दिया है। तो गाइज मैं वैक्स म्यूजियम में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वैक्स म्यूजियम की टिकट जो इंडियन के लिए रहेगी वो रहेगी 500 रुपीज, फॉरनर के लिए रहेगी 700 रुपीज, और स्टूडेंट आइडेंटी कार्ड से 20% डिस्काउंट होगा तो 400 रुपये में पड़ेगा। तो अब वैक्स म्यूजियम क्या ही घूमना, और अंदर शीश महल है, मतलब ठीक है बट अभी बजट मुझे इतना करना नहीं है। एंड एक और शीश महल भी है, ये अलग शीश महल है, इसके लिए फिर हम वही एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी नाहरगढ़ फोर्ट की हमारी जर्नी हो चुकी है ख़त्म, अभी हम चलेंगे दूसरे फोर्ट जो कि है जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट। और गाइज ये नारगढ़ फोर्ट की जो ओपन टाइमिंग्स रहती है वो मॉर्निंग 10 AM से लेके रात के 10 PM तक रहती है। और यहाँ पे मैंने सुना था कि यहाँ पे कुछ हॉन्टेड कहानियाँ भी है, लेकिन आई थिंक सो वो रॉन्ग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पूछा तो उन्होंने सबने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रात के 10 बजे तक खुला रहता है तो फिर हॉन्टेड कहानियाँ तो नहीं होगी, वरना तो बंद कर देते हैं लोग। तो हम लोग बाहर निकले नारगढ़ फोर्ट से, तो यहाँ पे चाट भी मिलती है, तो अभी हमने चाट है ये वाली बनवाई है 50 रुपीज की, बहुत महंगा है। एंड यहाँ मिक्स फ्रूट भी रहेगा, मतलब फ्रूट्स वाले वो 80 रुपीज रहेगा हम जो भी लेंगे, एंड यहाँ पे ऐसे लाइन में लगे हुए तो खा सकते हैं। पीछे एक है शॉप जैसा, वहाँ पे आपको सब ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम और वो सब मिल जाएगी। तो गाइस ये है पापड़ जो कि 30 रुपए का सबसे सस्ता है, एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, पिज्जा जैसा लग रहा है, तो खाते हैं पिज्जा जैसा। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जयगढ़ फोर्ट पे, और उसमें भी हमारा पास स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड था, तो हमें टिकट पड़ी 75 रुपीज की, वैसे 150 रुपीज थी, एंड इस बार हमने गाइड लिया है, हमें लेना नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमारा मतलब खाता नहीं खुला, ये नहीं खुला, आप ले लो, तो हमने लिया है, ताकि जितनी भी हिस्ट्री है आप गाइड के मुंह से सुनना। तो ये जो जयगढ़ फोर्ट है ये मतलब सबसे बड़ा फोर्ट है, मतलब सेकंड नंबर का फोर्ट है राजस्थान में। और हम लोग नाटगढ़ फोर्ट से आए, तो नाटगढ़ फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट आने में हमको आई थिंक सो कुछ 5 किलोमीटर था, तो 10 से 15 मिनट लगी है खाली। ये माउठा लेक है सर, तो राजा महाराजा ने पानी के अंदर ही लेक बना के और इसमें केसर उगाने का कोशिश किया, लेकिन कामयाब नहीं हुई। इस केसर को आज भी इस गार्डन को केसर गार्डन के नाम से ही जानते हैं। जो सामने पहाड़ी पे आप देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल है, ये वाली आम्बेर पैलेस का, जयगढ़ किले का, नाहरगढ़ का, इन तीनों का एक ही बाउंड्री वॉल है। तो गाइस हमने गाइड लिया तो उन्होंने हमको बताया कि ये जो पीछे एक्चुअली अगर आपको दिख रहा हो तो 2 फ्लैग है, तो उसमें कैसा है कि उस टाइम पे फोन ये सब नहीं हुआ करता था, तो एक जो छोटा वाला फ्लैग है वो ये दिखाता है कि राजा आज भी मतलब यहाँ पर है। तो जैसे कि राजा अगर जब ये सिटी में नहीं होते हैं तो वो लोग वो फ्लैग निकाल देते हैं, तो उससे प्रजा को पता चल जाता है कि राजा अभी यहाँ पर नहीं है और आज भी ये चीज फॉलो की जाती है। और उन्होंने बताया कि अभी राजा का 41 जनरेशन चल रहा है, जो प्रिंस है वो कुछ 26 इयर्स के है एंड कुछ फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं। अभी 2 फ्लैग है, दोनों फ्लैग है, इसका मतलब ये है कि अभी भी राजा यहाँ पे है, इसके लिए वहाँ पे 2 फ्लैग है, अगर नहीं होते तो एक छोटा वाला फ्लैग निकाल दिया गया होता। मूवी देखी ना अपने खुदा गवाह, खुदा गवाह मूवी में तो अमिताभ बच्चन को उस मूवी में जेल हो जाता है, और जेल के अंदर पत्थर तोड़ने का काम मिलता है, वो इसी जगह का शूटिंग है, इसी को जेल बनाया। देखी तो है नहीं, जाके देखना पड़ेगा, आप याद आ जाएगा। और जो सामने आप देख रहे हैं वो रडार है एयरफोर्स का सर। तो ये जो जयगढ़ फोर्ट है, ये जयगढ़ फोर्ट सेना के लिए बनाया गया था, यहाँ पे सिर्फ सेना ही रहती थी। और जो आमेर फोर्ट है, इसके बाद जब हम जाने वाले एक दूसरा आमेर फोर्ट, उसमें राजा रानी रहते थे, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे छोटी तोप रखी जाती थी और वहाँ पे बड़ी तोप रहती थी, जो पुलक कार्ट होता है बैलगाड़ी, उससे वो लोग ट्रांसपोर्ट करते थे तोप, तो वो लोग उससे ट्रांसफर करते थे तोप बुलक कार्ट से। और यहाँ पे जयगढ़ फोर्ट में जो कार है ना, कार ऊपर तक आ सकती है, अब देख सकते हो कि पीछे तोप है बहुत बड़ी, वहाँ हम चलते हैं और यहाँ पे कार आ सकती है, अगर हम स्कूटी पे आते हो तो नीचे पार्क करनी पड़ती है, बट कार ऊपर आ सकती है। देखिए इस तोप को सर, जैसे मैंने बताया ना आपको कि जयसिंह राजा ने बनाया, तो जयसिंह जी के नाम पे इसका नाम रखा गया जयवान तोप। इसको बैक साइड तोप कारखाने में बनाया और अलग अलग पार्ट्स में एलिफेंट द्वारा लाके इसको यहाँ असेंबल किया सर। तो 1720 में 1720 में इसको फर्स्ट टाइम चलाया टेस्टिंग के लिए, तो एक बार चलाने के लिए 50 kg का आयरन बॉल और 100 kg सर गन पाउडर यूज किया इसका प्रेशर देने के लिए। तो इसका जो गोला जाके गिरा वो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर चाकसू गाँव में जाके गिरा। अब नहीं चलते,
एक ही बार चला फर्स्ट टाइम। अच्छा, एक ही बार चल सकती है, फायदा चल सकती नहीं, चलाई एक ही बार क्योंकि इस किले पे आक्रमण नहीं हुआ, तो लगता हूँ जैसे कि अगर अभी फ्यूचर में आक्रमण हो तो ये चला सकते हैं। एक ही बार तो चला इसको, उसके बाद चलाया नहीं गया। फोर्ट समुद्र स्थल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था सर, जबकि जो सेना थी वो 10,000 सोल्जर्स थे। 10,000 लोगों के लिए इतने ऊपर में ना तो कोई कुआं खोदा जा सकता, ना कोई बोरिंग लगाया जा सकता। 10,000 लोगों का जो पानी का सिस्टम था ना, पानी पीने का, जैसे देख रहे पुराना रोड जैसा, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सर, बारिश का पानी इकट्ठा करने का। लास्ट में देखो तो नाले बने हुए सर, अंडरग्राउंड किले में टैंक बना हुआ, उस टैंक में इकट्ठा होता है 60 लाख गैलन पानी इकट्ठा होता है। 10,000 आदमी अगर रोज पानी पियेंगे 2 साल तक पानी पी सकते हैं। तो अभी जहाँ मैं एग्जैक्टली खड़ी हूँ उसको बोलते हैं जलेब चौक, और यहाँ पे उनको मेरे गाइड ने बताया कि यहाँ पे खजाना हुआ करता था, जो कि इंदिरा गांधी जब थे ना तो कभी यहाँ से कुछ मिला गया था, क्या मिला क्या हुआ वो नहीं पता, बस यहाँ पे खजाना था। और ऐसा सुनने में आता है कि 60 ट्रक भर के खजाना मिला था, लेकिन कहाँ गया गॉड नोज। और गाइस ये जयगढ़ फोर्ट में, यहाँ पे दीवाने खास और दीवाने आम करके गार्डन भी है, वो थोड़ा दूर था, मतलब ऐसे 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, फिर हम लोग गए नहीं। तो हमारे गाइड ने बताया है कि दीवाने खास में जैसे कि जो राजा होते थे वो सब सेना से मीटिंग करते थे, तो दीवाने आम में जितने भी सब लोग होते थे सबसे करते थे, और दीवाने खास में जो भी उनके स्पेशल लोग होते थे सिर्फ उनके साथ ही मीटिंग करते थे। आ चुके